वेलकम बैक स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हमने बात कर ली है आपसे नंस्ट इक्वेशन के बारे में, नंस समीकरण के बारे में, और हमने ये जानने की कोशिश की थी कि किस तरीके से इसको अप्लाई करते हैं। तो वापस से जल्दी से देख लीजिएगा, ये इक्वेशन हर एक बच्चे को याद हो जानी चाहिए। रात को उठ करके भी अगर कोई पूछ ले तो आपको ये इक्वेशन याद होनी चाहिए। ई सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन N log एनोड अपॉन कैथोड और प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ये इक्वेशन आपसे बहुत ज़्यादा पूछी जाने वाली है। इस इक्वेशन को आज हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके देखेंगे। देखिए बेटा, जब हम बात करेंगे साम्य स्थिरांक की बात करेंगे तो हम ये कहेंगे कि जो Q है वो Q हमारा क्या हो जाएगा, Kc के बराबर हो जाएगा। और इस कंडीशन में, यानी इस कंडीशन में जब साम्य अवस्था की हम बात कर रहे हैं, तो साम्य अवस्था की कंडीशन में या इक्विलिब्रियम की कंडीशन में हम ये कहते हैं कि जो हमारा सेल विभव होगा वो शून्य हो जाएगा, क्योंकि साम्य अवस्था में जितनी कंसंट्रेशन एनोड पर मौजूद है उतनी ही कैथोड पर मौजूद होगी। दोनों की कंसंट्रेशन में बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होगा, तो वहाँ कहीं ना कहीं जो वैल्यू हमारे सामने आएगी सेल विभव की, वो सेल पोटेंशियल ज़ीरो होगा। और ज़ीरो सेल पोटेंशियल होने की वजह से हमारी जो इक्वेशन होगी वो क्या हो जाएगी, ज़ीरो, ई की वैल्यू ज़ीरो हो गई, तो ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग के सी, या क्यों की जगह हम के सी लिख देंगे। और फिर हम इस पूरी की पूरी इक्वेशन को उधर ले जाएंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, ई नॉट इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन एन लॉग के सी। यानी हमारी जो इक्वेशन होगी, क्योंकि हम इस माइनस वाले पोर्शन को उधर ले जा रहे हैं, तो हमारी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ई नॉट इज इक्वल टू माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग के सी, ये वैल्यू हमारी होगी। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ये जो केसी की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। और केसी क्योंकि लॉग उधर जाएगा तो एंटी लॉग बन जाएगा, तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं, एन ई नॉट अपॉन 0.0591 इसको हम लिख सकते हैं। एक न्यूमेरिकल दो देख लेते हैं जल्दी से कि किस तरीके से हम इसको अप्लाई करेंगे। वैसे मैं अलग से न्यूमेरिकल पर पोर्शन पर एक अलग से वीडियोस बनाऊंगा, हर एक चैप्टर के न्यूमेरिकल पर हम बात करेंगे, लेकिन फिर भी यहां पर जल्दी से बात कर लेते हैं कि सेल आपको दे रखा है जिसमें SN SN प्लस 2 में कन्वर्ट हो रहा है, 1 मोलर कंसंट्रेशन है SN प्लस 2 की, PB प्लस 2 जिसकी कंसंट्रेशन 10^-3 मोलर है वो कन्वर्ट हो रहा है PB में। ई नॉट तथा ई का मान ज्ञात कीजिए। E नॉट का मतलब मैंने बताया था कैथोड माइनस एनोड। यहाँ कैथोड क्या है बेटा, लेड है, तो लेड की कंसंट्रेशन कितनी है, मतलब यहाँ पर पोटेंशियल कितना है, सॉरी माइनस 0.13 क्योंकि लेड है। उसमें से आप माइनस कर दीजिए किसको, टिन के SN प्लस 2 ऑब्लिक SN का जो पोटेंशियल होगा डेट इज़ 0-0.14, और उसके पास जो वैल्यू ई नॉट सेल की आएगी डेट इज 0.01 वोल्ट। तो ई सेल आपके पास आ चुका है। अब क्योंकि देखिए SN किस में कन्वर्ट हो रहा है बेटा, SN प्लस 2 में, तो दो का डिफरेंस है। PB प्लस 2 PB में कन्वर्ट हो रहा है तो दो का डिफरेंस है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो N की वैल्यू 2 है, इसलिए 0.0591 अपॉन 2 लिखा गया है। लॉग ऊपर SN प्लस 2 आएगा, क्यों भैया, क्योंकि एनोड की कंसंट्रेशन ऊपर लिखी जाती है, कैथोड की कंसंट्रेशन नीचे लिखी जाती है, 10^-3 दे रखा है, कोई दिक्कत ही नहीं है, और आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा आपके सामने फॉर्मूला दे रखा है Fe प्लस 2 प्लस सीरियम प्लस 4 कन्वर्टेड इनटू Fe प्लस 3 प्लस सीरियम प्लस 3। बेटा Fe प्लस 2 से Fe प्लस 3 बन रहा है भैया, एनोड है, और सीरियम प्लस 4 कन्वर्ट हो रहा है सीरियम प्लस 3 में, भैया रिडक्शन है क्योंकि कम हो रहा है। और हमें करना क्या होता है, हमें करना होता है कैथोड माइनस एनोड, तो हम क्या करेंगे, 1.44 में से 0.68 को माइनस कर दीजिए, ये ई नॉट सेल निकल जाएगा, और फॉर्मूला आपके पास मौजूद है 0.0591 लॉग के सी, उससे आपकी वैल्यू आ जाएगी। ये आपका नंस्ट इक्वेशन वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से डेरिवेशन नहीं आएगा, नहीं आने के चांसेस ज़्यादा हैं। आपको ये
इक्वेशन याद करनी है बेटा, ई सेल इज इक्वल टू ई डॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग के सी। ये फॉर्मूला ज़रूर याद कर लीजिएगा। अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। कोरोजन पर हम बात करेंगे, क्योंकि गैल्वेनिक सेल हम पढ़ चुके हैं, उसके एप्लीकेशन पार्ट बचा है। संक्षारण पर हम बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।